इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान हुई भगदड़ में 129 लोग मारे गए, 180 लोग घायल हुए हैं। घटना शनिवार की रात पूर्वी जावा के कजुरहान स्टेडियम में हुई है। इंडोनेशिया की बीआरआई लीग वन में अरेमा एफसी और पर्सेवाया सुरवाया के बीच मैच चल रहा था। पर्सेवाया की टीम हार गई। मैच हारने वाली टीम के समर्थक मैदान में घुस गए। इन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने बताया कि घटना में 127 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 2 पुलिस अधिकारी हैं। स्टेडियम के अंदर मौके पर ही 34 लोगों की मौत हो गई थी, बाकी की अस्पताल में मौत हुई है। घटना की वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें फैंस ने सुरक्षा कर्मियों पर सामान फेंकते दिख रहे हैं। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ पीएसएसआई ने बयान जारी कर घटना पर दुख जताया है। पीएसएसआई ने कहा है कि खेल के बाद जो हुआ उसकी जांच की जाएगी और इसके लिए टीम मलंग के लिए रवाना हो गई है। पीटी लीगा इंडोनेशिया बारू एलआईबी के अध्यक्ष अहमद हदियन लुकिता ने कहा कि हम इस घटना का गहरा दुख है। उम्मीद है कि यह हम सबके लिए एक सबक होगा।